हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। संध्या जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ की बर्फी, ना चीनी, ना दूध, ना खोआ, मात्र दो इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाते हैं सुपर टेस्टी और हेल्दी ये बर्फी। बर्फी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं और 200 ग्राम गुड़ लिए हैं। कढ़ाई में तिल को डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब ये भुन गया है, इसे हम दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और ये जब ठंडा हो जाए तो इसको हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए दरदरा पीस गया है, इसको एक बर्तन में डाल लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है, फ्लेवर के लिए है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये उंगलियों में चिपकनी चाहिए, अगर उंगलियां चिपक रही हैं तो समझिए कि चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे नीचे उतार के और जो तिल का मिश्रण है इसको डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब एक प्लेट लेंगे, उसमें हम पहले से घी लगा लिए हैं, आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं इसको। और इसको आपके पास जो भी बर्तन है, चम्मच है, उससे दबा दबा के हाथों के सहारे इसको एक शेप दे देंगे। देखिए मैंने इसको एक शेप दे दिया है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालूंगी, इसको इसी करछी से दबा के ताकि सेट हो जाइए ड्राई फ्रूट। इसमें चाकू से मैं निशान लगा दूंगी बर्फी की, ये बाद में ठंडी हो जाएगी तो नहीं कट पाएगी, टूटने लगेगी, इसलिए मैं अभी लगा रही हूँ इसको। आप चाहें तो चिपक रहा है तो थोड़ा घी लगा लीजिए और घी लगा के इसको निशान दे दीजिए बर्फी का। देखिए बिल्कुल अभी तो ये कट रहा, ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल कट नहीं पाएगा, टूटने लगेगा। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये बर्फी हमारा। देखने में इतना टेस्टी है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।